हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग नाजनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना मेला घूम रही हूँ। हाँ, तो आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये गांव का मेला जो है ना, ये दशहरा दुर्गा पूजा का मेला। आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा दुर्गा पूजा, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये तकरीबन 8-10 साल के बाद अपने गांव में इंजॉय कर रही हूँ, इसलिए कभी पटना जाती हूँ, कभी दानापुर जाती हूँ। ये फाइनली मेरे गाँव का मेला है। डेकोरेशन वगैरह तो बहुत खूबसूरत हो रखा है, पूरा सजा हुआ है, लाइट लाइट ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे गांव में ना झूला जो फील्ड में लगा है, रेलवे स्टेशन वाले फील्ड में, वो फर्स्ट टाइम लगा है। तो बहुत सारे लोग तो इस झूले के लेके भी एक्साइटेड है। और हम अम्मी और मुस्कान सारे लोग आ गए थे, फील्ड में ही आई थिंक आ गए थे हम लोग कि देखते हैं झूला। हाँ, फील्ड में ये नौका देख के तो मुझे पटना का याद आ गया कि बाप रे, हम तो मरते मरते बचे। पर ये नौका बिल्कुल ही स्लो है। अगर हम पटना में नहीं चढ़े होते ना, तो हम इस पर चढ़ गए होते। लेकिन क्या करें, वहाँ का जो डर खौफ था ना, वो अभी भी मेरे मन में था कि नहीं, हम इस पर नहीं बैठेंगे। एक घड़ियाल था तो सोचे अम्मी को ज़बरदस्ती घड़ियाल पे बैठा लेंगे। और किस किस ने ये हॉर्स वाले झूला पे झूला झूला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नानी के यहाँ थी ना, इस पर बहुत झूला झूलती थी हॉर्स पे बैठ के। जैसे ये लड़का खड़ा है ना, हम लोग बैठ के, फिर यहाँ पे ये बाइक वाला, यहाँ पे जंपिंग है, ये रहा फाइनली घड़ियाल वाला। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, बहुत बहुत भीड़ हो रहा था। मुस्कान को ये कपड़ा इतना अच्छा लगा ना, ये कलर की बार बार ये यही पहन के आ रही है हर जगह, और बोल रही है मुझे वीडियो में मत लेना, लोग क्या कहेंगे, इसके पास एक ही कपड़े हैं। लेकिन उसको ये कलर अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं घड़ियाल का ना पूरा कैप्चर कर रही थी, कैसे आ रहा है, ज़्यादा नहीं 4-5 राउंड ही लगाता है। तो अम्मी को बोले कि अम्मी चलो, तो हम लोग आ गए यहाँ पे टिकट लेने। बट यहाँ का बुकिंग इतना ज़्यादा था ना कि टिकट काउंटर बंद कर दिया, टिकट ही ख़त्म हो गया। मैं पैसे लेके घूम रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे आ गई, छोटा स्टीमर जो बेबी का स्टीमर का होता है, तो बाबू लोग था ही नहीं, मतलब जो मेरा भतीजा लोग है वो अपने नानी के घर था, अगर होता तो वो लोग भी स्टीमर पर बैठ जाता, बट वो लोग नहीं था। उसके बाद अम्मी को बोले अम्मी चलो यहाँ से चलते। मुस्कान आ गई ये मीना मार्केट में कुछ लेने के लिए। और जब यहाँ से हम इधर इसको देखे तो उधर जो है ना डांस हो रहा था। ये लड़का लोग गांव में जो आजकल भोजपुरी गाना बहुत जो ट्रेंड कर रहा है ना, वह यही लड़का तो इतना खूबसूरत डांस कर रहा था ना, सारे लोग सीटी मार रहे थे, मैं भी सीटी मार रही कॉलोनी से आने के बाद मैं दुकान पे आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये पोस्टर वाले, बहुत सारे पोस्टर वाले थे हर जगह भी, ये तो आम चीज़ हो गया, हर बात सबको जानता था, हम तो नहीं पहचानते, ये वो जानता था। उसके बाद हमने आईडी सबका खोल के देखा, तो हम भी सबको पहचान गए। फिर हम आ गए कॉलोनी, ये सॉरी फील्ड में घड़ियाल पर चढ़ने के लिए। और देखो जहाँ हम जाते हैं ना, मुसीबत मेरे साथ पहले से तैयार, देखो अभी क्या क्या होता है मेरे साथ। घड़ियाल से उतर गए। उसके बाद ना मैं इस सारे छोटे छोटे झूले वाले के पास आके बोली थी, भैया मुझे भी बैठने दो, तो बोल रहा था नहीं आप बड़ी हैं, आपके लिए नहीं है। ये तो इतना स्लो स्लो है, और पटना वाला तो बिल्कुल खराब है।
बा, कल जाएंगे अगर तो सूट पहन के। हम आ गए एक घर मेला घूम के। मेरे गांव में पहली बार लगा था झूला, बहुत सारे लोगों से मिले परसों बाद 7-8 साल बाद मिले, 9 साल बाद मिले। अब मेला भी तकरीबन हम 8-9 साल बाद ही देखे हैं यहाँ का जन्म, ये सरयू दुर्गा पूजा। तो बहुत मज़ा आया देख के, गर्मी बहुत तेज थी, कल भी मेला है। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।